हमारे यहाँ इंडियंस को गोरे रंग के साथ बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है। हाँ वो तो है। ये ऑब्सेशन आया है ब्रिटिशर्स से। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। नया दिन, नया व्लॉग, नई शुरुआत। और आज मैं थोड़ा सा कुछ अलग करना चाहती थी, मतलब अपने रूटीन में थोड़ा सा कुछ एड ऑन्स थोड़ा चेंज करना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने हल्का सा लाइनर लगा लिया। थोड़ा एडंग बेडंग लग गया है लेकिन ठीक है। नॉर्मल से थोड़ा बेटर। अगर हम थोड़ा सा अपने रूटीन में छोटी मोटी चीज़ें ऐड कर ले तो थोड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा कुछ नया हो गया है। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ कपड़े सुखाने। जब तक मैं नहा के कपड़े सुखाऊँ तब तक इस बालकनी की धूप चली जाती है, क्योंकि ये ईस्ट फेसिंग बालकनी है। हैरान, इसका एक चक्का निकल गया है यार, इसके कारण ना एक हाथ से तो कर ही नहीं सकते। लाइट भी बंद कर देते हैं वरना बिल बहुत ज्यादा रहेगा। तो हाँ मैं आपको बता रही थी कि अगर हम हमारे रूटीन में थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा चेंज कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। जैसे अगर आपको आपका रूटीन मोनोटोनस लग रहा है तो आप समझिए, अगर ऐसे सीधे रास्ते से जाते हैं अपने ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, जहाँ भी, अगर आप सीधे रास्ते से जाते हैं तो आप अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज करके देखिए। ये बात मुझे इन्होंने ही बताई, ये बात मैंने इनसे सीखी और ये एक्चुअली बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि अपना माइंड फिर थोड़ा सा एक डिफरेंट वे में चलने लगता है कि हाँ अरे यार आज तो रास्ता चेंज हो गया, यहाँ कोई नए लोग तो नहीं मिल रहे हैं। वैसे कोई भी छोटी मोटी चीज़ आप चेंज कर लीजिए। अगर आप कलर वाइज कपड़े पहनते हैं, किसी किसी का होता है ना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो जो कलर्स होते हैं वही वही फॉलो करते हैं, तो आप या तो उन कलर के ये कर लीजिए, एक दिन चेंज कर लीजिए। चलता है कभी कभी, इतना उसका कुछ ये नहीं है कि जो दिन है उसी दिन का कलर पहनना चाहिए, कभी कभी चेंज कर लीजिए। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अपने हिसाब से देख के उनको चेंज करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, मोनोटोनस नहीं लगेगा एटलीस्ट। वो जा रहा है, मैं सिर्फ दिया लगाने के लिए मैं बाहर आई थी और देखो बैठ गया वापस। ओ गॉड, अगर उसने दरवाज़ा खोला तो डायरेक्ट सामने ही बैठे हुए मिलेंगे। देखो डस्टबिन भी गिराया है यार इसने। कैसे देख रहा है जैसे कि उसको घर में बुलाए, पता चले मेरे ही और भागा। रे बाबा, ये नहीं था, पता है बंदर नहीं थे ये, पता नहीं वापस कहाँ से आ गया है। चले गया था बंदर हर एक के घर के सामने क्यों रुक रहा है ये? तो ये अखबार बहुत खास है, सिर्फ यही वाला, जो कि है दैनिक जागरण, जागरण सॉरी दैनिक जागरण 26। हाँ आई नेक्स्ट कहाँ लिखा रहता है यहाँ पे? हाँ आई नेक्स्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट। और ये कानपुर का ही पेपर है, 26 मार्च 2022। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है बादाम बादाम मेरी क्या पता क्या बादाम बादाम क्योंकि इसमें बादाम बादाम है। ओ, इसमें कोई है, ये रहा, इसमें इनका फोटो आया है, तीन बंदर और एक बापू। तुम बापू हो? नहीं, ना मैं पहले वाला ना मैं बाद वाला। तीन बंदर और एक बापू, लेकिन अखिल के टॉप तीन सबसे एकदम मस्त ढासू। और ये हमारा ढासू मखाने खाते हुए, अनफॉर्चुनेट मखाने मखानों वाला ढासू। दो। तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे रेडियो सिटी को फॉलो करते हैं तो आपको ये देखने ज़रूर मिलेंगे, या आप अगर इनके अकाउंट को फॉलो करते हैं @RJAkhil के नाम से, तो आपको अखिल के टॉप 3 सुनने मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छे होते हैं, आप जरूर सुनिए, आपको कैसे लग रहे हैं वो बताइए।
तो इसीलिए ये वाला पेपर बहुत खास था, तो ये हम ऑफिस से लेकर आए हैं। खरीद मतलब खरीद कर लाए, क्योंकि ये सिर्फ इनके ऑफिस में आता है शायद। नहीं नहीं हर जगह आता है। नहीं, अच्छा ये कानपुर में मिलता है, लेकिन हमने तो सिर्फ दैनिक जागरण सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आई नेक्स्ट हमने ऑफिस में पढ़ा और हमें ये। तो कैसा लग रहा है तुम्हें अपने अपने आप को पेपर में देखकर, न्यूज़पेपर में देखकर? शेविंग बनवा लेनी चाहिए थी। हाँ यार, इस फोटो में उन्होंने, वो फोटो ऐसा फोटो है कि अभी तुम्हारे बाल थोड़े से बिखरे हुए। यस, एक्चुअली कैसा था कि जब वो फोटो खींची गई थी तब वो फोटो अर्जेंटली चाहिए थी। अच्छा, पुरानी फोटो है, पहले की फोटो है। तो ये था कि कभी क्रिएटिव में लगे ना इस तरीके से, तो ये डिसाइड हुआ कि अभी भेज देते हैं एंड देन विल चेंज इट, कि जब बढ़िया वाली हो जाएगी तब भेज देंगे, उसके बाद से अब आप देख लीजिए। तो इसीलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा, अपॉर्चुनिटी ना जाने कब आपको मिल जाए, इसलिए ऑलवेज प्रिपेयर फॉर इट। चाहे वो पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो लुकिंग की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो बोलने की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो गाने की अपॉर्चुनिटी हो, ऑलवेज प्रिपेयर। ओके, ये टॉप तीन बातें थी क्या? टॉप तीन की एक ऐसी बात है तो जो आपकी जिंदगी बदल देगी। वो लोग कहते हैं ना कि लुक्स में क्या रखा है, ऐसा नहीं है। अगर आपका काम लुक्स वाला है तो हमेशा आपको टिप टॉप, जिसे कहते हैं ना, वो रहना चाहिए टिप टॉप। चाहे बोलने का काम, देखने का काम, लिखने का काम, सुनने का काम, टिप टॉप होना चाहिए। और ज्ञान का पिटारा? यस, अभी मैं सौंफ खा रहा हूँ क्योंकि एसिडिटी है, भगवान जाने क्यों, और सौंफ खाने से एसिडिटी काफी तक ठीक हो जाती है। हैप्पी कोट्स मार्च 28, एवरी लिविंग बीइंग हैज happiness within, but only man can drive it every moment as much as he desires। yani ki bhavarth har vyakti ke andar khushi hai, lekin ek sachcha aadmi hi us khushi ko dhoond sakta hai aur uske sath reh sakta hai। ye khushi andar wali khushi hai, mohalle wali khushi nahi hai। वहां पे दूसरी खुशी दिख रही है टीवी पे। ब्रिजिटन, ब्रिजिटन चल रहा भैया, इसमें अलग ही है। एक तो मैं लोगों से कहना चाहूंगा, इंडियन सांवले होते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट उन्हें जबरदस्ती डाफ नहीं किया जाता। जिन लोग जो लोग ब्रिजिटन का सेकंड सीजन देख रहे हैं इस बात को समझ रहे होंगे, जो लीड है केट शर्मा, उसे जबरदस्ती डाफ करके रखा हुआ है। कूलर का पानी चेक करके आया। ज्ञान की एक और बात आ रही है अपने पास। बेसिकली अब ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ इंडियंस को गोरे रंग के साथ बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है। हाँ, वो तो है। ये ऑब्सेशन आया है ब्रिटिशर्स से। ब्रिटिशर्स के आने से पहले गोरे रंग का ऑब्सेशन इंडिया में नहीं था। इंडिया में हमारे यहाँ शायद पंच कन्या या पंच देवी कन्या कहा जाता है, जिसमें कुंती है, द्रौपदी है, शायद अनुसुईया या अहिल्या है, ऐसा कुछ तो भी है, उनको कहा जाता है। और वो गोरी नहीं थी, ठीक है। हमारे यहाँ नॉर्मल टोन था और डार्क टोन था। इवन द्रौपदी के लिए कहा जाता है कि वो सांवली थी। हमारे यहाँ गोरे का कोई वो नहीं था। हमारे शायद, आई एम नॉट श्योर, बट शायद इकलौते गोरे जो भगवान है, मैं पकड़ लेता हूँ, तुम्हारा हाथ दुख रहा होगा। तो हमारे यहाँ जो इकलौते गोरे भगवान है या जिनका रंग गोरा है, वो कौन है? शिव जी। क्यों है? कर्पूर गौरम। कर्पूर गौरम का मतलब है जिनका रंग कपूर के समान गोरा है। तो शायद, आई एम नॉट श्योर, माता गौरी भी गोरी ही रंग की होंगी या जैसा होगा, लेकिन शिव जी का रंग गोरा है, उनका नीला या सांवला नहीं है। वो तो भस्म लगाते, इसलिए चेंज हो जाता है, ग्रे हो जाता है। तो वापस टॉपिक पर आते हैं, इंडिया का जो ऑब्सेशन है वाइट रंग के साथ, लड़की गोरी होनी चाहिए, लड़का गोरा होना चाहिए, ये ब्रिटिशर्स से आया है। और ये उस सोच को दर्शाता है कि हम अभी भी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, हम लोग गोरे नहीं थे, ठीक है। हमारे यहाँ सबसे खूबसूरत महिलाएं जो थी वो सांवली थी, और हमारे यहाँ रंग से ज्यादा नए नक्श और चरित्र को महत्व दिया जाता था। आज का ज्ञान इतना ही। कल के ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें। आपको ऐसा बहुत सा ज्ञान इंडियन माइथोलॉजी से रिलेटेड या और कुछ चाहिए हो तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वो कभी कभी मिलता है, डेली मिलता भी नहीं है।
शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। वो अंदर से फूट फूट कर निकलता है, कभी कभी इतना फूटता है कि चूरा बच्चा। ऐसा लगता है कि क्यों गोरा ब्रिजिटन में क्यों इतना डार्क दिखाया उसको। वो लड़की बहुत खूबसूरत होगी आई एम श्योर, मैंने गूगल पे सर्च नहीं किया बट आई एम श्योर वो खूबसूरत होगी, लेकिन सिर्फ ये दिखाने के लिए कि 1800 में किस तरीके से ट्रीट किया जाता होगा इंडियंस को या किस तरीके से देखा जाता होगा वो दिखा रहे हैं, जबकि उसमें ऐसे कुछ दिखाया नहीं है, मतलब अभी तक नहीं दिखाया है। हां बुराई नहीं दिखाया है, अच्छा ही दिखाई है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे उसको इंडियन दर्शाया है, उसको इतना ब्राउन दिखा, हां उसको डार्क क्यों किया हमने। चल लेकिन हां सीजन 1 बहुत अच्छा था ब्रिजिटन का, अब तक जो हमने सीजन 2 देखा उसके मुकाबले तो सीजन 1 ही अच्छा, 1 अच्छा था। अभी 5वां एपिसोड है, 8 टोटल एपिसोड है, लास्ट में कुछ चेंज रहा है तो हो सकता है एक आध वाव मोमेंट आया था कि अरे ये क्यों कर दिया। हाँ, एक आया था बीच में। हाँ, बताना नहीं, हाँ, नहीं बताना, स्पॉइलर चला जाएगा बेचारों के लिए। नहीं, 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 तो है ठीक है, लेकिन पहले जैसा वाला जो था अभी तक उतना मिला नहीं। चलो कोई नहीं, अभी आप करो, मैं भैया मेरा अपना मैच खत्म हो गया, मैच अपडेट एक बच रहा है, पता नहीं कौन जीतने वाला है। जी जय गुजरात की टीम जीती, ये गुजरात जीती, वैसे लखनऊ हार गया, लखनऊ हार गया। मैं वैसे मुंबई इंडियंस की तरफ से हूं। ओ मैं किसी की तरफ से नहीं हूं भाई, दो महीने क्रिकेट खेलते हैं, मैं किसी की तरफ से नहीं हूं। सही है, उनमें से कोई भी मुझे पैसा नहीं देने वाला है, तो मैं पैसे दोगे भी तो भी यार अबे लिमिट से खेलो यार, तुम लोग दो महीने क्रिकेट कौन खेलता है। उनके अपने मजे, तो तब तक के लिए आप डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज अखिल रक्षा की दुनिया। मेरे बाल देखो कैसे हो रहे हैं, मेरा तो अच्छे हो रहा है।